ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो काफी सारे शेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आपको वेट होगा ब्रेकआउट शेयर का। हम आपके सामने रखते हैं आज का ब्रेकआउट, वह थॉमस कुक। इस पे आप ध्यान रख सकते हैं, ये टूरिज्म की एक अच्छी कंपनी है और पिछले कल यानी और आज दो दिन में इसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ चलना शुरू कर दिया है। अभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, 60% का कैश डिलीवरी है। सरकार की नीतियों का इसके हक में फैसला आ रहा है और अभी बिजनेस भी अच्छा मिल रहा है टूरिज्म को लेकर। ज्यादातर कंपनीज अच्छे प्रॉफिट्स में है जो कि बुक्स में हमको दिख भी रहा है। तो इस शेयर पर आप जरूर ध्यान रखें, ये करीब 240 तक जा सकता है, ऐसा एनालिसिस से समझ में आ रहा है। गौरव की एक बार राय भी जुड़वा लेते हैं कि गौरव इसको कैसे देखते हैं। गौरव, आप एक बार बताएंगे थॉमस कुक देख के आपको ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ऐसा स्विंग है, बनाने की कोशिश की है और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और आपने सही कहा, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, फिर लॉन्ग टर्म के एवरेजेस हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक बार 240-245 के लेवल एक बार देखने मिल सकते हैं और यहाँ पे एक 220 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, आज हो सकता है क्लोजिंग में ही आपको 235 तक भी पहुंच जाए, इसलिए शेयर के साथ बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको बहुत ही वाजिब दिया गया है, 220-222 की रेंज का है। ये शेयर यहाँ पे टिक गया तो आपको 20-30 रुपये तो बहुत आराम से दे देगा। तो ठीक है, आप इस शेयर के साथ बने रह सकते हैं। गौरव, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज का एक तो ब्रेकआउट शेयर में हमारा एनालिसिस के लिए और साथ ही अलग अलग स्टॉक्स पर राय देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद रजत जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में। नमस्कार।